नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी मेडिसिन में। आज अपन बात करने वाले हैं गैस फ्लैट टेबलेट के बारे में। गैस फ्लैट टेबलेट को मेडसेरा फार्मास्यूटिकल्स बनाता है, जिसकी जो प्राइस है वो है 112 रुपए पर स्ट्रिप। इसमें जो कंटेंट्स है वो है सिमेथिकॉन 80 mg और एक्टिवेटेड चारकोल होता है इसमें 250 mg। इसका यूज आप स्पेशल डॉक्टर की सलाह से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये टेबलेट आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। गैस फ्लैट टेबलेट एक एंटी फोमिंग एजेंट है। इस टेबलेट का यूज इंटेस्टाइनल गैस यानी अगर आपको आंतों में गैस बनने की समस्या है तब इसे में इसका यूज किया जाता है। ये टेबलेट पेट में बहुत ज्यादा गैस बनने को कम करते हैं और पेट फूलने की समस्या में राहत देते हैं। अगर आपको बहुत ही ज्यादा गैस बनते हैं तो आपको पेट दर्द रहना, भूख की कमी रहना और बार बार डकार आने जैसी समस्या आपको रह सकती है पेट में। और भी अगर आपको सूजन आ गई है, पाचन की समस्या है या फिर आपको बार बार गैस पास करने की प्रॉब्लम है तो ऐसी समस्याओं में इसका यूज आपको ऐसे में काफी राहत देता है, काफी आराम दिलाता है। अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड, चाय कॉफी या फिर तली गली चीजें यूज में लेते हो तो ऐसे में गैस बनना एक सामान्य बात है। तो ऐसे में क्या करें आप, कभी कभी ऐसे में क्या होता है कि ये कभी कभी ये गैस बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं। आपका पेट भारी भारी हो सकता है, आपको उल्टी जिगर की समस्या हो सकती है, गैस की वजह से कई बार आपका सर दर्द हो सकता है या आपको मतलब कई बार क्या होता है कि कब्ज की समस्या रहने लग जाती है। तो ऐसे में फिर आपको अल्सर या छालों की शिकायत भी रहने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशंस ना हो उसके लिए आप ये टेबलेट यूज कर सकते हो। नॉर्मली ऐसी समस्याओं में आप एंटासिड दवा या फिर पीपीआई कैप्सूल यूज करते हो, पर फिर भी अगर आपको उनसे राहत ना मिले तो ऐसे में आप ये टेबलेट का यूज कर आप आराम पा सकते हो। हो सके जहां तक लंबे समय तक गैस की प्रॉब्लम्स ना रहने दे, क्योंकि फिर धीरे धीरे इसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या होने लग जाती है, सीने में दर्द रहना, अपच की समस्या रहना और कई बार तो इसकी वजह से आपको उबकाई तक आने लग जाती है। तब ऐसे में ये टेबलेट आपके पेट और आंतों में जो गैस है उसके बुलबुले को अधिक आसानी से एक साथ आने की परमिशन देते हैं, जिससे आपकी जो गैस है वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं और आपको बवासीर, कम वजन कम होना, डायरिया की समस्या होने से बचाते हैं। बार बार या बहुत ज्यादा गैस बनने के कुछ कारण हैं, जैसे ज्यादा भोजन कर लेना, लंबे समय तक भूखे रहना, तीखा या चटपटा भोजन करना, ठीक तरह से चबाकर भोजन ना करना, एल्कोहल का ज्यादा यूज करना या फिर ऐसा भोजन कर लेना जो पचने में बहुत ज्यादा समय लेता है, तो इसी वजह से आपको गैस बन सकती है। तो जहां तक हो आप ज्यादा पानी पिए और अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें। जानते हैं इसके सावधानी के बारे में, तो अगर आपको कोई भी सीवियर डिजीज है, पेट के संबंधी कोई भी गंभीर समस्या है तो ऐसी सभी समस्याओं के बारे में अपने डॉक्टर्स को जरूर बताएं। डोज की अपन बात करें तो नॉर्मली इस टेबलेट को एक एक टेबलेट सुबह शाम भोजन से पहले आपको लेने के कहा जाता है। अलग अलग मरीज और उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका डोज चेंज हो सकता है, जो कि एक्सपर्ट डॉक्टर डिसाइड करते हैं। बात करें इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में, तो वैसे तो इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होते, पर कुछ जो आपको कभी कभार नजर आ सकते हैं उसमें आपकी जबान पर परत बनने जैसा हो सकता है, मुंह में सूखापन रहना और एलर्जिक रिएक्शन की वजह से आपको खुजली चलना, रेडनेस या फिर सूजन आ सकती है। ये साइड इफेक्ट कुछ टाइम लेते हैं, कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको इनके अलावा कोई भी अदर कंडीशन क्रिएट होती है या फिर यही साइड इफेक्ट लंबे टाइम तक बने रहते हैं तब ऐसे में आप इसका यूज बंद करें और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।